जा रही है। कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी। अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें। यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दी जा रही थी जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है और लॉकडाउन नियमों को भी क्षीण कर रहा है। उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड-19